Durgabhai Deshmukh, South Campus. Doors will open on the left. Interchange here for the Airport Express line. Please. तो भाई आ गए साउथ कैंपस, ये देख लो यहाँ से, ये श्री वेंकटेश्वर कॉलेज है। और मैं जाने मोटर से जा सकता हूँ, पर बारिश वानी स्टार्ट हो गई यार, मेरे को लगता है मेरे को ऑटो करना पड़ेगा यार। ये तो भाई मैं तो पैदल ही जाऊँगा, 3 साल की याद तो रहेंगी। ये जब हम से आए हैं ना, जब हमने एडमिशन लिया है तब से ये सारा काम चल रहा है, पर अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। देखो अंडरपास बन रहा है ये ऑपोजिट, और ये क्रेन भी तभी की खड़ी है। वैसे टाइम हो रहा है 4:30 के अबाउट टाइम हो रहा है, लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे पागल इंसान है, क्या कैमरे में बोल रहा है। यहाँ पे किसी टाइम कोई भैया कोल्ड ड्रिंक किया, वो छोटी सी टपरी लगाते थे। साउथ कैंपस है ना, ये साउथ कैंपस रहा। और ये रहा देखो साउथ कैंपस, यहाँ पे ये पुलिस बूथ है साउथ कैंपस का। यहाँ पे एक माउंटेनिंग जो सीखते हैं बच्चे, इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन है यहाँ पे, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1957 में। और देख लो आप, ये जो बच्चे जा रहे हैं ना, ये माउंटेनिंग के लिए जा रहे हैं। और एक मैथ था जो कि यार ठीक था, मैं भी यार ऐसा कोई बुरा नहीं था। ये भी साउथ कैंपस का देखो वो है, ये गेट कभी ओपन नहीं होता यार, लोग को वहाँ पे जाना पड़ता है डायरेक्ट। भाई मैं है ना रोज देख लो यहाँ पे चल के आता था, पैसे नहीं खर्चता था कि आर्यभट्ट ना, आर्यभट्ट कॉलेज इसकी बिल्डिंग है ना, यही है शायद नई वाली। देख रहे हो साउथ कैंपस की अमीरी मस्त ब्रिज में, भाई ऐसे ही है बहुत ज़्यादा लोग, भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच है, मतलब रिचेस्ट है, मतलब ये रामलाल है देख रहे हो, ये रामलाल है। ये पहले भाई भी छोले कुलचे रेड लगाते थे, आज भी लगाते हैं। भाई ये मेरा कॉलेज आ गया, देख लीजिए आप, मोतीलाल नेहरू कॉलेज। तो फिर मैं कुछ डॉक्यूमेंट निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ सब कुछ। चलते हैं कॉलेज के अंदर, एंट्री कर दो। मैं अपनी एंट्री कर रहा हूँ, कॉलेज में एंट्री हो गई है, ठीक है ये कॉलेज में। और मैं अंदर जाके आपको ना सब कुछ दिखाता हूँ। और ये हमारा मोतीलाल नेहरू कॉलेज की मतलब सर की मूर्ति है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए,
और मैं आपको ना एक बार यहाँ पे एक बार ये पूछ लेता हूँ इसे प्रोसेस क्या है, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन है ना प्रोविजनल के लिए चाहिएगी, फिर अगर मैं पोज करता हूँ। तो भाई देखो, ये प्रोविजनल का फॉर्म भरना पड़ेगा मेरे को ना, तो मैं इस फॉर्म भरने के बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है। इन्होंने मेरे को एक और फॉर्म दे दिया है, देख लीजिए आप, देख रहे हैं ना, ठीक है, और देख लीजिए आप भाई, ये है हमारा सुंदरी चौक। ये हमारा पार्क देखिए बिल्कुल हरा हो गया अभी, और इसको सुंदरी चौक बोलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या सुंदरी होती होगी। वहाँ पे LED लगी हुई है, और अब मेरे को लाइब्रेरी जाना है ऊपर की तरफ, तो चलते हैं लाइब्रेरी। ये देखिए आप, हरियाली देखिए हमारे कॉलेज के, देख रहे हैं आप, फूल भी लग रहे हैं। ये मेरे स्वागत में तो इन्होंने फूल नहीं लगाए कभी। तो लाइब्रेरी चलते हैं, वो लाइब्रेरी रही हमारी, बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा, शायद DU की नंबर 1 लाइब्रेरी हमारी, बहुत ज़्यादा बुक है। तो भाई मैं मिलता हूँ, ठीक है, बात है लाइब्रेरी की बात। तो भाई देखो यहाँ पे साइन हो गए हैं, और देख लीजिए, और ये हमारी फ़ोटो कॉपी की होती है, ठीक है, और ये भी बैठने की जगह है, यहाँ पे क्लासेस हैं। घुमाऊँगा मैं आपको ना, घुमाऊँगा पक्का इसमें, देख लीजिए। मेरा काम हो गया, अब मेरे को एक अलग रूम में जाना है, तो चलते हैं फिर। मज़े आ गए इस कॉलेज में पढ़ के यार, पढ़ के तो क्या मतलब, आ गए मज़े बस। वॉशरूम भी देखोगे, वॉशरूम में तो चलो चलते हैं फिर, मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये तो आपने देख लिया था। यहाँ से चलते हैं पेड़ों के बीचों में, कैंटीन में भी आपको ले चलूँ, देख लीजिए पूरा का पूरा पार्क। ये सर की जो कार है वो है, और यहाँ पे ACs लगे हुए हैं, बहुत मस्त हवा देते थे, क्लास लेते थे। तो भाई अब फेस देख पा रहे हो मेरा, मैं आपको दिखा दूँ पूरा कॉलेज, देखो इस साइड से दिख रहा है, सारा हमारा कॉलेज है, और बारिश आ रही है देख लो आप, फिर भी आपका भाई, देखो ये हमारी लाइब्रेरी, ये भी लाइब्रेरी गेट है, और बारिश आने लगी ज़ोर ज़ोर से, और यहाँ पे बैठने की जगह है, देखो आप देख रहे हो, ये जगह थी बैठने की। और आपको मैं एक साइड से ले चलता हूँ ना, उस साइड से चलिए, आपका भाई देख लीजिए, बारिश आ रही बहुत ज़ोर से यार, अपनी किस्मत ही ख़राब है, 12% बैटरी है। तो फिर देख लीजिए, अगर मैं आपको ना इसमें हम देखते थे शीशा मिरर देखते थे कि हम कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो बारिश देख लीजिए, पर मैं आपको ले चलता हूँ ना, हम जब स्टार्टिंग में आए ना तब ये सोचते थे कि ये जो लग रहे हैं ना ये क्या है, इनके अंदर भी क्लासेस होती हैं, देख पा रहे हैं, हम इनको मतलब वैसे समझते थे ये ख़राब है, पर भाई बहुत सही है ये। और मैं आपको कैंटीन में ले चलता हूँ, कैंटीन क्लोज है वैसे, अगर कुछ मिला तो खा लेंगे, और फेस से बात करता हूँ ना, फेस दिखा कर। तो भाई पानी में डूब चुके हैं, और देखो हमारा ग्राउंड दिखाता हूँ मैं आपको, यार मेरा कैमरा बार बार है ना स्टॉप करके ऑन करना पड़ रहा है, इसमें डायरेक्टर बैक कैमरा शिफ्ट नहीं होता, ये बैक कैमरा शिफ्ट हो जाए, पर मैं आपको ले चलता हूँ ना, वहीं पे बैठ के दिखाऊंगा। तो बारिश आ रही ज़ोर से, चलें 1 2 3। ओ माय गॉड, सब कुछ खा लिए, सब कुछ देख रहे हो, खाली पड़ी है कैंटीन। और मैं एक बार देखो आपको इस साइड दिखाऊं, ये कैंटीन है, और इनके ऊपर चल के दिखाता हूँ मैं, यार यहाँ कुछ खा लेते ना तो बात बन जाती है, भूख लग रही बहुत ज़ोर से, वैसे कुछ भी नहीं खाया भाई, सिर्फ दूध पिया था घर पे, और एक बार दूध दिल्ली में पिया था पैकिंग का,
और ये दिख रहा है आपको ग्राउंड। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे जो आपको ये दिख रही है ना पहाड़ियाँ, ये दिख रही है पीछे, ये प्यार करने वालों की जगह है, समझ रहे हो ना आप देख कैसे हो गए बाल। और भाई 3 साल कैसे निकल गए मेरे को तो पता नहीं चला भाई। और बहुत कुछ रहा कॉलेज में, कुछ बातें आपसे मैं शेयर नहीं कर सकता नहीं तो। और तो कॉलेज में आके क्रश बनना है ना एक नॉर्मल बात होती है, ठीक है। देखो यार एक ये देखो ये कल्चर रूम दिखाता हूँ मैं आपको, दिख रहा है कल्चर रूम, यहाँ पे लोग डांस करते थे और मैं उनको पागल समझता था भाई, पर यार वो बंदे अपने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो हम किसी को पागल नहीं समझ सकते। और देख लीजिए पूरा पानी गंदा है। और भाई सुबह से बहुत चल चुका हूँ यार, बहुत ज़्यादा मतलब हद नहीं है। एक दो काम और करके आया हूँ, फिर मेरे कॉलेज का भी काम करना था, उस साइड चलते हैं। बस देख रहे हो पहाड़ी, पहाड़ी पर चलें, बस मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहाड़ी के ऊपर बारिश नहीं आ रही है, तो चलो यार चलते हैं। क्या होगा ये ज़्यादा अपन भीग जाएंगे, भीग के सूख जाएंगे या फिर एक बार बीमार हो जाएंगे, कोई नहीं लास्ट टाइम है कॉलेज में तो मैं आपको लेके चलता हूँ। ये सीढ़ियाँ हो गई और भाई ये पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ पहाड़ी नहीं पहाड़ियाँ देख रहे हो। अरे यार देख लो इस साइड से देख लो भाई, यहाँ पे कोई मेरे को सांप नहीं मिल जाए। कोई लड़की थी यहाँ पे, लड़के लड़के प्यार करते थे, प्यार मतलब वो प्यार नहीं प्यार करते थे। वो भाई फ़ोन से पानी टपक रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये पत्थर्स पे बैठ बैठ के और ऊपर चढ़ता हूँ मैं भाई। यार मेरे को ये ऊपर चलता हूँ यार, कुछ नहीं होगा। माय गॉड मेरे को वो फील आ रही है जैसे कि वो वाइल्ड एंड एनिमल नहीं था, वो डिस्कवरी पर आता था, वो फील आ रही है। पत्थर पे देखो मैं किस पत्थर पे चढ़ रहा हूँ। यस ये तो भाई यही था यार कॉलेज। देखो बारिश हो रही है तब भी वीडियो बन रही है, और कुछ नहीं यार ये आखिरी दिन थे, वो कैंटीन देख लीजिए। और देखो यही मेमोरीज अपने पास रहेंगी। और एक वो है ना टेबल टेनिस का है उस साइड देख रहे हो ना। और भाई कॉलेज ख़त्म हो गया, मेरा मानना ये है जो टाइम होता है ना पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है पर इतनी ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज लाइफ को एंजॉय ना करो। आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे को इतने दिन हो गए मेरे कॉलेज के अंदर, हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट हैं ना बार्स में गए हैं क्लब्स के अंदर, पर मैं आज तक नहीं गया, आपका भाई आज तक क्लब में नहीं गया। और मैं मानता हूँ गलत चीज़ थी, जाना चाहिए था यार। और चलो दूसरे पे चढ़ते हैं। फील आ रहा है ना, आप अपने भाई के साथ फील करते हो कि यार थोड़ा सम्मान है ना, इमोशन भी हो रहा है। और अब अपन चलो मैं आपको उस साइड ले चलता हूँ ना, बैटरी फ़ोन की लो हो रही है बिल्कुल। ओ माय गॉड यार मेरा कॉलेज मेरे को ना बहुत बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैं आपको ग्राउंड दिखाता हूँ। अब यहाँ पे बच्चे से बोल रहे थे कि कॉलेज में अलाउड नहीं करते, कि आपसे पूछेंगे कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो, पर हमसे किसी ने नहीं पूछा। और ये मेरा बैग देख लो आप, मैं फुल तैयारी के साथ आया हूँ। और मैं आपको अपना ग्राउंड दिखाऊं, क्योंकि है ना ये देखो जो कि मेरे मोतीलाल के बच्चे देखे रहे होंगे यार, बच्चे नहीं मेरे भाई बंधु, तो आप मेरा ग्राउंड देखिए कॉलेज का, देख रहे हैं कितना अच्छा है यार ये खेलने के लिए। और यहाँ पे फेस्ट होते थे मतलब वहाँ पर,
है ना, मैं आपको लेके चलता हूँ, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ यहाँ तक थी। मोतीलाल फेम मतलब फेमस है ना, तो पहाड़ियों की वजह से ही फेमस है। देखो यहाँ पे लोगों के दिल भी टूटे और दिल जुड़े भी है। मेरे बाल ना ऐसे हो जाते हैं, छोटे बाल हैं इसलिए, देख लीजिए आप। ये देखो पीछे वो लग रहे, मैं वहाँ पे आपको ले चलता हूँ ना, बैक कैमरा से दिखाऊंगा आपको, मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ। तो भाई ये ग्राउंड है, और भाई यहाँ पे हमारी क्लास होती थी, मेरे को याद नहीं है किस कौन से सेमेस्टर में होती थी। अगर कॉलेज का बंदा देख रहा है तो बताओ यार, मैं उतरता हूँ यार यहाँ से, मेरे को ना ये कहाँ जाऊँ यार, मैं कभी गिर ना जाऊँ। ओ शिट, यस यस यस, ओ माय गॉड, ये ही तो करना है मेरे को। यहाँ से उतर लेते हैं या फिर डायरेक्ट जंप मारे। नहीं 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 नहीं, अभी हमको चलना है अपने उस ब्लॉक के अंदर। मैंने आपको ना जुबली ब्लॉक नहीं दिखाया, वो मुझसे गलती हो गई, तो देख लीजिए। यहाँ पे हमारे दोस्त वॉलीबॉल खेलते थे, और यहाँ से निकलना पड़ेगा, पानी पानी हो रहा है यार। कॉलेज की याद देना अलग ही होती है, और ये नहीं पता किस चीज़ का बना दिया। यहाँ पे तो लोग भाई वॉलीबॉल खेलते थे, नितिन था, शुभम था, और भाई एक साहिल था, और बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ पे एक डॉग के लिए एनजीओ खोला हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है। और यहाँ पे भी डॉग अब्सेंट्स हैं हमारे, जो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे ना, सच में इमोशन हो रहे होंगे इस चीज़ के ऊपर। जीवद हिम्मत, ओह भाई यहाँ पे तो, और भाई यहाँ पे हमारे रामलाल है पास में। आप ना सोच नहीं पा रहे होंगे कि है ना, कि ये भाई आराम से वीडियो बना पा रहा है। बारिश देख रहे हो आप, आपको इस कैमरे में नहीं दिख रही, बहुत ज़्यादा बारिश है। और यहाँ पे हमारे ईस्ट इंडियंस के जो थे ना दोस्त, हमारे भाई, हमारी बहनें, बहनें तो नहीं, बहन, तो यहाँ पे देखो यार वो खेलते थे। और सच में यार बहुत खूबसूरत है यार यहाँ पे। नहीं नहीं पका रहे, और ये यू गाइस फॉरगॉट दिस मैन थर्ड का, जो कि आप, मैं तो शायद थर्ड भी नहीं आ पाऊँ। तो यहाँ पे ऐसे बोल रहे थे कि यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी, ये पहाड़ियाँ टूट के ना यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी, और यहाँ पे लोग बैठते थे यार। और मैं आपसे ना कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ यार, मैं बस फ्रंट कैमरे पे शिफ्ट करता हूँ। मेरे को ना लग रहा है मेरे को कोई बड़ा फ़ोन लेना पड़ेगा, और अब की बार अपनी कमाई पे लेना पड़ेगा। ले तो मैं अब भी लूँ अपनी कमाई पे, पर फिर भी यार मेरे को कोई काम नहीं है। और सर ने कहा है मेरे को 10 मिनट वेट करो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चलो मैं फिर यहाँ की बात करता हूँ। तो भाई मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है ना, देखो हर चीज़ करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप गर्लफ्रेंड ना बनाइए, बनाइए भाई, यही उम्र है, और इस उम्र को मिस मत करिए यार बिल्कुल भी ना यहाँ पे। क्योंकि देखो कॉलेज लाइफ एक ऐसी होती है जिसमें आप ना हर चीज़ इंजॉय कर लेते हो। और यार मेरे को लगता है मेरे ज़्यादा इमोशंस हैं यार, कि कॉलेज यार ख़त्म हो गया यार, 3 साल भी हमने अच्छे से नहीं गुजारे यार। और अब कुछ लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो मेरे को जानते भी नहीं होंगे, और मैंने उनको कभी बताया भी नहीं, मेरे दोस्त को भी। और देखिए यार लाइटिंग है यहाँ पे यार, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इतना अच्छा लगता है रात को, मतलब मज़े आ जाते हैं लेट नाइट तक। और कॉलेज लाइफ है सबसे बेस्ट लाइफ होती है, लोग कहते हैं स्कूल लाइफ भी होती है, पर सच में मैं बताता हूँ, मैं आपको स्कूल का आपको अपना ना फर्स्ट प्यार याद होता है बस, उसके अलावा आप ना स्कूल से में जो दोस्त मिलते हैं ना वो काम के होते हैं, पर जो आप कॉलेज में आके सीखते हो ना वो इम्पोर्टेंट होता है। भाई एक सर हमसे ऐसे कह रहे हैं निकलो यहाँ से, तो चलो भाई चलते। ये हैं देखो, ये रहे, दिखाता हूँ मैं आपको कैमरा फेर के। देखो यहाँ पे एक सर है, सर तो क्या है, वो है कोई नॉर्मल, ये मना कर रहे हैं हमको। और भाई ऑटोमेटिक जूम हो जा रहा है पानी की वजह से, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और मैं आपको फ्रंट कैमरा करता हूँ। ये बिल्डिंग है ना,
ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो कि मैंने दिखाया था ना, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। मेरे को ये चीज़ भी नहीं पता मैं कैसा बोंदू। ये देखो रामलाल दिख रहा है, ये रामलाल है। और ये हमारी सियार रेलिंग, मतलब जिसको आप पकड़ के खड़े हो सकते हो, स्टाइल मार सकते हो। और ये हमारे बाथरूम से यहाँ पे, और बाथरूम देखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। और मैं आपको यहाँ पे भी कुछ क्लासेस हैं, ये कोई किस चीज़ की लैब है, ये मेरे को याद नहीं किस चीज़ की लैब है, और याद मेरे को कुछ भी नहीं है। और दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये रामलाल कॉलेज रहा यहाँ पे, और ये हमारा मोतीलाल रहा, दिख रहा है। यहाँ पे जनरेटर्स हैं यार हमारे पास, कि हमारी लाइट कट हो तो हम लोग पढ़ने में दिक्कत ना हो, पर पढ़ता कौन है आज तक मेरे को ये समझ नहीं आया। और ये बंद है। और यहाँ पे देखो मैम्स की पार्किंग की वो है, यहाँ पे अपने सर और मैम्स कार पार्क करते हैं, और यहाँ पे भी बाइक्स खड़ी होती हैं। और यहाँ पे हमारी क्लासेस होती थी, देखो यहाँ पे, याद हो तो किसी को। मेरे बाल कैसे लग रहे। यहाँ पे हमारी सारी क्लासेस होती थी, शायद हुई थी 2-3 महीने। और ये भी देखो पार्क है, यहाँ पे साइड दिखा दूँ आपको मैं, देखो ठीक है। और यार मेरे को मेरा कॉलेज है ना, सच में यार बहुत बहुत, ये आखिरी दिन है इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी कि ये चीज़ याद दे रहे। और सर देखते हैं, मेरे को थोड़ा सा नजीब फील होता है, ये तो मैं सर को डिसरिस्पेक्ट तो नहीं, पर वैसे थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो ये स्टाफ रूम है, यहाँ पे स्टाफ बैठे होंगे, देखता हूँ मैं। देख रहे स्टाफ रूम है, और मैंने लाइब्रेरी का तो दिखाया आपसे, जुबली ब्लॉक नहीं दिखाया मैंने आपसे ना। टॉयलेट्स हमारे कॉलेज के अच्छे थे यार, बुरे नहीं थे बिल्कुल भी। और ये सीन देख लीजिए, जो आप अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे आते थे, यहाँ से लोग बहुत गिरे हैं, पर मैं नहीं गिरना चाहता यहाँ से बिल्कुल भी नहीं। और अब मैं आपको जुबली ब्लॉक को दिखाता हूँ ना, जुबली ब्लॉक और देख लीजिए, या फिर आप एक बार अपनी क्लासेस देख लीजिए कभी। देख रहे हैं ना क्लासेस, यहाँ पे क्लासेस हुई हुआ करती थी शायद, लास्ट सेमेस्टर यहीं पे हुई थी हमारी क्लासेस। और बस वो जुबली ब्लॉक और बच गया, जुबली ब्लॉक दिखा के आपको ना, फिर मैं भी अपने चलता हूँ। फिर एक चीज़ वो देख लीजिए आप, और यहाँ पे हमारी क्लासेस नहीं हुई, पर ये किसी चीज़ का रूम था, मेरे को समझ नहीं आया आज तक, यहाँ पे लोग स्पीच देते थे, अब तो क्लोज है। और ये भी था मेडिकल रूम, यहाँ पे MBBS लोग भी बैठते थे, अब ये नहीं पता क्या करते थे। और ये देखो यहाँ पे NCC का चीज़ है, देखो NCC का देख रहे हो। और हमारे वॉशरूम्स आपको दिखाता हूँ मैं, रहने दीजिए आप, थोड़ा सा बंद रहा है ना कॉलेज, इस वजह से आप मर जाओगे। और मैं आपको एक पार्क दिखा दूँ, आप पार्क देखिए बैक कैमरे से, देख रहे हैं भाई बहुत सुंदर पार्क है, बहुत सुंदर। यहाँ पे AC चलते हैं क्लासों के अंदर, और देख रहे हैं आप भाई सच में यार मज़े आ गया यार मेरे को इस कॉलेज में पढ़ के। और अब देखते हैं यार फ्यूचर्स प्लान में मैं मास्टर्स करता हूँ या नहीं करता, या फिर जॉब की प्रिपरेशन, वो टाइम बताएगा। तो आप मैं जुबली ब्लॉक दिखा दूँ एक बार, तो मैं जुबली ब्लॉक दिखाता हूँ, ऊपर से दिखाता हूँ, नीचे तो सब स्टाफ बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल मैम भी हो सकती हैं, सर भी हैं,
मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर की तरफ, है ना, देखो सामने जुबली ब्लॉक में जाके दिखाता हूँ। वहाँ पे हमारी फर्स्ट सेमेस्टर क्लास हुई थी वहाँ पे। और ये भी पार्क देख लीजिए, दिख रहा है, मैं दिखा दिया आपसे सारी चीज़। और एक थंबनेल के लिए फ़ोटो क्लिक करवानी पड़ेगी, दिखाता हूँ आपको। मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ, ऊपर से दिखा देता हूँ। और भाई हम आ गए जुबली ब्लॉक के अंदर। हमारी नीचे क्लास होती थी जहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट वो करवाए ना, तो आप ऊपर देख लीजिए। अभी तो क्लासेस नहीं है यहाँ पे, बेंचेस बाहर डले हुए हैं। और आप देख लीजिए, दिख जाएंगे आपको क्लासेस। ऊपर एसीज लगे हुए हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहे अच्छे से। ये वाटर फिल्टर है यहाँ पे, दिख रहे हैं। और ये J6J4 करके, और यहाँ से है ना, लोग पता है क्या करते थे लोग तो कहें, मेरे भाई मेरे को भी समझ लो, पर मेरे को मत समझो। तो यहाँ से लोग देखते थे लड़के को। और आप देख लीजिए लास्ट में ये ख़त्म हो गई। ये रूम नहीं पता किस चीज़ का है, तो यही था फिर। और आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर क्लास में जाके कहीं पे। और भाई ये भी हमारे एक पीछे साइड की जगह है, यहाँ पे देखते हैं कोई सर रोक तो नहीं लेगा पीछे से कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे लोग ना फेस्ट होते थे जब अलाउड नहीं होते थे बाहर के लोग, मतलब बाहर कॉलेज के लोग, तो यहीं से एंट्री होती थी। इस पीछे की साइड पर गेट है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दिख रहा है ये। और यहाँ पे क्या सागर रोबिन लिखा हुआ है, हद यार। और ये कैंटीन को रास्ता जाता है सीधा, तो मैं चलते हैं। यहाँ पे ये सफाई की गाड़ियाँ खड़ी, गाड़ियाँ मेरे को ऐसे लगाने की आदत पड़ गई शायद। मेरे सॉक्स में पानी चला गया, तो मेरा जो थम है ना वो मतलब पानी से कट जाते हैं ना खाल, ऐसा फील हो रहा है मेरे को इन शूज़ के अंदर। फिर भी देख लो आप यार कितना प्यारा सीन है, अब तो बारिश भी नहीं हो रही। चलो मैं आपको कैंटीन में ना, देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, डेफिनेटली वीडियो लंबा होगा। और ये देखो क्या क्या कलाकारी कर रखी है यार। लोग है ना अच्छे थे यहाँ पे ना, कोई लड़ाई नहीं, कोई वैसा फंडा नहीं, मतलब लोग है ना बहुत सपोर्टिव थे यार। ये मैंने अपने हरियाणा स्टेट से यहाँ पे देखा है, हरियाणा स्टेट में थोड़ा सा ना ऐसे ही, मतलब देखो आप यहाँ पे क्या लिख रहा है, क्या क्या लिख रहा है आप खुद ही पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ सकता। ये चीज़ मैंने देखी यार, मतलब बहुत मस्त चीज़ है। और फिर कैंटीन में चल के बात करते हैं, मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मैं कैमरा फिर फेस करता हूँ। भाई पहुँच के कैमरे के पास बैठ रहे हैं, क्यों पागल साके ना बैठा है यार, उड़े बैठे हुए यार, पागल है, मना कर रहे हैं बैठने के लिए। यहाँ बैठने में क्या दिक्कत है यार, रोक ले मैंने आज वो, फिर वही अंकल मना करे, भाई बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ बैठने में। वो आ जाएंगे सर, यहाँ पर उनको दिक्कत होगी। तो भाई मैं यही बोल रहा था कि भाई कॉल देखो, ये आप दिख रहे हैं सब कुछ, ये सब कुछ कैंटीन। और भाई कॉलेज में देखो सबके क्रश होते हैं, मेरे एक या दो क्रश थे, और आप भी क्रश बनाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कि ये ग्रीन ग्रीन कलर के पिलर लग रहे हैं ना यहाँ पे, वो मतलब बैनर्स लगते थे कोई, मतलब कॉलेज के स्पॉन्सरशिप के कोई वो करके, तो इस वजह से। और वो कुछ ना कुछ तो हरकत कर रहे हैं वो बंदे जो कि अंकल है ना, किसको कॉल कर रहे हैं, कर लेना यार, मेरा लास्ट डे है, अपने इन्जॉय भी नहीं करूँगा मैं। तो यही है, उनको शायद ये लग रहा हो कोई चोरी चारी ना कर ले यहाँ से। तो भाई कॉलेज को एंजॉय करो आराम से यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से। और प्यार करो सभी से, दोस्ती करो यार, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और आराम से मिलजुल के रहो कॉलेज के अंदर। मैं भी यार आराम से कॉलेज में, मैंने तो इतना एंजॉय नहीं किया जितना दूसरे लोगों ने एंजॉय किया था। और
भाई गर्लफ्रेंड की मैं आपको बता नहीं सकता, और वैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई सब चीज़ करो जो कि, पर कोई अपनी बॉडी को वो मत पहुँचाओ कि मतलब स्मोकिंग कर रहे हो फलाना डिगना वो मत करो, और चाहे कुछ भी कर लो, आप समझ गए होंगे बहुत समझदार हैं आप। तो यही था यार, मैं अकेला ही हूँ पूरे कॉलेज में, और यहाँ पे आप देख लीजिए कितने ज़्यादा नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे अलग अलग, और बस यार कॉलेज ही बंद होने वाला है। वो जंकल मेरे को बोल रहे थे ना, वो भी अब जाने वाले हैं, बस उन्होंने अपना क्लास का गेट बंद कर लिया, तो ऐसा ही है। तो आप देख लो यार मेरे को और मेरे कॉलेज को, यहीं से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, और स्मार्ट तो आपका भाई, पर ठीक है जो भी है। तो चलते हैं यार, मैंने आपको सब दिखा दिया मेरे कॉलेज का जो भी था वो सब कुछ, कुछ चीज़ मिस हो गई होगी मेरे को पता है, बिल्कुल मिस हो गई होगी, मेरे को माफ़ करना यार। और अब जो नए बच्चे आए हैं ना वो सब इंजॉय करना कॉलेज को, भाई टेक केयर। तो भाई ये हमारे कॉलेज का वाटर कूलर है, देख लो आप, फर्स्ट ईयर में जो हम यहाँ से पानी पीते थे ठंडा ठंडा।